बच्चों, आज हम दूरपास, कम ज़्यादा और छोटा बड़ा की जो अवधारणा पर हमने अभी तक गतिविधियां करी हैं, आज हम उसका रिवीजन करेंगे और हम सबसे पहले छोटे बड़े की अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। तो दो बच्चे आए और करके दिखाएं। देखो, ये बड़ा और ये छोटा दोनों ठीक है। एक बड़ी लग रही है सबको और एक छोटी बच्ची लग रही है। ये दोनों भी, एक बड़ा और एक छोटा लग रहा है। देखो इधर आप आओ, देखो ये भी एक बड़ा और एक छोटा है। सबको समझ में आ रहा है? देखो इधर, और ये दोनों भी एक बड़ा और एक छोटा है। अब हम देखेंगे इसके बाद दूर और पास के लिए। तो दो बच्चे जल्दी से खड़े होकर दिखाएं दूर के लिए और दो बच्चे दिखाएं पास के लिए। जल्दी जल्दी दिखाओ बाकी के। सबको दिख रहा है दूर और पास? तो कौन कौन दूर है, किससे? दूर वाले बच्चे अपना हाथ उठा के दिखाओ। दूर, पास वाले बच्चों का क्या मतलब है ये? ठीक है, सबको समझ में आया दूर और पास का मतलब? चलो, अब हमारी तीसरी अवधारणा क्या है? कम और ज्यादा। तो कम और ज्यादा के लिए हम क्या करेंगे? हमारी क्लास में आज लड़कियां ज्यादा आई है ना, और लड़के कम हैं। तो जल्दी से मुझे दिखाओ कैसे कम और ज्यादा कैसे करोगे। तो इसमें लड़के कितने हैं गिन के बताओ। लड़के लड़कों को गिनेंगे, लड़कियां लड़कियों को गिनेंगी। कितने हैं? सात। अच्छा, और लड़कियां कितनी हैं? तो इसमें अब लड़कियां कितनी हैं? 14। और लड़के कितने हैं? सात। तो इसमें कम कौन से हुए और ज्यादा कौन सी हैं? लड़कियां। इधर कम ज्यादा की अवधारणा, दूर और पास का भी हमने करके देखा और हमने छोटा बड़ा का भी करके देखा। दूर और पास के लिए एक बार और करके दिखाएंगे। लड़के पहले दूर मुझे दिखाओ, दूर किसे कहेंगे? दो बच्चे आके दिखाएं दूर कैसे होंगे? सही है। और अब पास कैसे होंगे? समझ में आ गया सबको? ठीक है। चलिए, और एक बड़ी बच्ची सामने आए। कौन है छोटा और कौन है बड़ा? मैं।